आदरणीय भक्तजनों सादर प्रणाम। मैं आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। माता रानी की कृपा से आप सब प्रसन्न रहें, सुखी रहें, आपके घर में मंगल ही मंगल हो। बोल साचे दरबार की जय। ओम श्री परमात्मने नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री दुर्गा देव्ये नमः। दुर्गति नाशिनी दुर्गा, जय जय काल विनाशिनी काली, जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा, जय जय काल विनाशिनी काली, जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी, जय जय राधा सीता रुक्मणी, जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी, जय जय राधा सीता रुक्मणी, जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा, जय जय काल विनाशिनी काली, जय जय। शांब सदाशिव, शांब सदाशिव, शांब सदाशिव, जय जय शंकर। शांब सदाशिव, शांब सदाशिव, शांब सदाशिव, जय जय शंकर। हर हर शंकर, दुख हर सुख कर, अघतम हर हर, हर हर शंकर। हर हर शंकर, दुख हर सुख कर, अघतम हर हर, हर शंकर। दुर्गति नाशिनी दुर्गा, जय जय काल विनाशिनी काली, जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा, जय जय काल विनाशिनी काली, जय जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय जय दुर्गा, जय माँ तारा, जय गणेश जय शुभ आगारा। जय जय दुर्गा, जय माँ तारा, जय गणेश जय शुभ आगारा। दुर्गति नाशिनी दुर्गा, जय जय काल विनाशिनी काली, जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा, जय जय काल विनाशिनी काली, जय जय। जयति शिवाशिय जानकी राम, कोरी शंकर सीताराम। जयति शिवा शिव जानकी राम, गौरी शंकर सीताराम। जय रघुनंदन जय सियाराम, ब्रज गोपी प्रिय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सियाराम, ब्रज गोपी प्रिय राधे श्याम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय सियाराम, जानकी वल्लभ सीताराम। दुर्गति नाशिनी दुर्गा, जय जय काल विनाशिनी काली, जय जय काल विनाशिनी काली, जय जय।
काल विनाशिनी काली, जय जय। आदरणीय भक्तजनों, आज हम श्री सप्तशती के अनुसार दसवें अध्याय के कथा को श्रवण करेंगे। मैं मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करती हूँ। वे तपाए हुए स्वर्ण के समान सुंदर प्रतीत होती हैं। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, ये तीन उनके नेत्र हैं, तथा वे अपने मनोहर हाथों में धनुष, अंकुश, खड्ग, तलवार, त्रिशूल धारण किए हुए हैं। मेधा ऋषि कहते हैं कि राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को माता रानी के हाथ से मारा हुआ तथा सारी सेना का संहार हुआ देखकर शुंभ अत्यधिक कुपित होकर कहने लगा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड दिखा रही है और तू बड़ी माननी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों के बल के कारण तू अपने को बलवान समझती है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ इस संसार में, मेरे सिवा दूसरा कौन है? ये देख, ये सारी मेरी ही विभूतियाँ हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तदंतर ब्रह्माणी आदि समस्त देवियाँ जो अंबिका के शरीर से पहले प्रकट हुई थी, वे अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही वहाँ पर विद्यमान रह गईं। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी, उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है, अब अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ। हे दैत्यराज, अब तुम भी युद्ध के लिए स्थिर हो जाओ, ऋषि कहते हैं। तदंतर देवी और शुंभ दोनों सब देवताओं तथा दानवों के देखते देखते भयंकर युद्ध करने लगे। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों एवं दारण अस्त्रों से प्रहार एक दूसरे पर करने लगे। लोगों के लिए यह दृश्य बड़ा ही भयानक था, देखने वाले लोग भयभीत हो रहे थे। उस समय अंबिका देवी ने सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज ने अपने तलवार से काट दिया। इसी प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी जगदम्बा ने अपनी हुंकार से ही भस्म कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों आदि अस्त्रों का प्रयोग किया। यह देख क्रोध में भरी हुई उन देवी ने भी बाण मार कर उसके धनुष को काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्ति को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले लिया। उस समय देवी पर धावा बोल दिया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष छोड़े और तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्जवल ढाल और तलवार को तुरंत ही काट डाला। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था, अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्दत हो भयंकर मुद्गर हाथ में लिया। उसे आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुद्गर काट कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तिस पर भी वह असुर बड़े जोर से मुक्का तान करके आया और माता के ऊपर उसने एक बड़े जोर से मुक्का मार दिया। उस दैत्यराज ने जब देवी के छाती में मुक्का मारा, तब उन देवी ने भी उसकी छाती में एक बड़े जोर का चांटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ धरती पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा ही उठकर
खड़ा हो गया। अब वह देवी माता को ले जा करके आकाश में दोनों बड़े भयंकर युद्ध करने लगे। उनका यह युद्ध देख करके सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध किया। युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः फिर चंडिका का वध करने के लिए हाथ में एक बड़ा भयंकर अस्त्र लेकर के चंडिका पर मारने के लिए दौड़ा। तब चंडिका ने उसको त्रिशूल से उसकी छाती को छेद दिया और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते के साथ ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वह समुद्रों द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कंपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न हो गया। स्वच्छ हवा बहने लगी, आकाश स्वच्छ दिखने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सब शांत हो गए, यानी कि जैसे जोर जोर से बादल गरजते थे, उल्कापात होते थे, आंधी तूफान आते थे, वो सब शांत हो गए। दैत्य के मारे जाने पर नदियाँ ठीक से बहने लगी। पहले नदियों में बाढ़ आ जाती थी, अब नदियाँ बड़ी शांत हो गई। नदियों का जल स्वच्छ हो गया, सारा वातावरण स्वच्छ हो गया। क्योंकि जब कोई पापी अधर्मी इस धरती पर रहता है, प्रकृति भी अशुद्ध हो जाती है। प्रकृति में भी बड़ी बड़ी आपदाएं आने लगती हैं। जब इस प्रकार के पापात्मा मर जाते हैं तो सारी प्रकृति भी पवित्र हो जाती है। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वगण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी, सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई, अग्निशालाओं की बुझी हुई अग्नियां अपने आप प्रकट हो गई। इस प्रकार से संपूर्ण दिशाओं में जो भयंकर शब्द होते थे वे शांत हो गए। भक्तजनों, अब आज हम इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शुंभ वध नामक 10वां अध्याय पूरा यहाँ पर विराम देते हैं। जय माता की, बोल साची दरबार की जय। भक्तों के घर भी माँ मेरी आती रहा करो, भक्तों के घर भी माँ मेरी आती रहा करो, दर्शन के नैना बावरे दर्शन दिया करो, दर्शन के नैना बावरे दर्शन दिया करो, भक्तों के घर भी माँ मेरी आती रहा करो, भक्तों के घर भी माँ मेरी आती रहा करो, भक्तों के घर भी माँ मेरी आती रहा करो, भक्तों के घर भी माँ मेरी आती रहा करो, दर्शन के नैना बावरे दर्शन दिया करो, कुछ ना घटेगा आपका आकर तो देखिए, कुछ ना घटेगा आपका आकर तो देखिए, कुछ ना घटेगा आपका आकर तो देखिए, पलकें बिछाई राह में
दाती तेरे लिए पलकें बिछाई राह में, दाती तेरे लिए खाली पड़ा है दिल मेरा, खाली पड़ा है दिल मेरा, इसमें रहा करो भक्तों के घर भी माँ मेरी, आती रहा करो संतों के घर भी माँ मेरी, आती रहा करो उषा के दरबार की जय।